अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज किस वीडियो में की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए 107 सीसी एटीवी फोर व्हील क्वाड बाइक हंटर जीप मॉडल दुबई इंपोर्ट की दुबई डी कंडीशन की लेकर हाजिर हैं। इस बाइक के फ्रंट के ऊपर दो एलईडी लाइट्स हैं। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि हैवी ग्रिल का जो है वो सेफ गार्ड इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये आपको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। और ये जो फ्रंट का जो सेफ गार्ड है इसको कवर किया गया है। साथ में दोनों व्हील्स के अंदर रियर ड्रम ब्रेक्स हैं वो इसकी मौजूद हैं। ये रियर ड्रम ब्रेक्स भी मैंने अभी आपको क्लोज करके दिखाई हैं, ये देखें। हैंड गार्ड इसके अंदर मौजूद है। ये फ्रंट ब्रेक का लीवर, पुश एक्सलेटर, स्पीड कंट्रोलिंग की ऑप्शन जो है इसके अंदर मौजूद है। ये पेज का निशान है, यहाँ पर एक पेज लगता है जिसको आप जितना टाइट करेंगे उतनी स्पीड इसकी जो है वो कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम इसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल्ला इंटरवल का खासा है कि हम अपने कस्टमर्स को जो बताते हैं वो दिखाते भी हैं। चाबी स्विच इसके अंदर ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। 2 लीटर का फ्यूल टैंक है। 1 लीटर में यह बाइक तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर का फासला बासानी तय कर सकती है। आप देख सकते हैं 107 cc cm³ इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। हम जो दिखाते हैं वो बताते हैं और वही अपने कस्टमर को हम बेचते भी हैं। ये अब्दुल्ला इंटरप्राइजेज का खासा है। बैक साइड की साइलेंसर इसमें इंस्टॉल है। बैक साइड की सिंगल इसमें लाइट है जिसमें स्ट्रॉन्ग शॉक जो है इंस्टॉल किया गया है। ये 2 पेज हैं जिनको आप जितना आप टाइट करेंगे उसके मुताबिक जो है चेन की अलाइनमेंट होती है। जब बाइक आपकी चलती है तो चेन आपका लूज़ होता है और लूज़ होने का उतरता उतरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैकेनिक्स के पास आप लोग जाते हैं और आप ज़्यादा तंग होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये खुद दिखा रहा हूँ कि ये जो 2 नट हैं इनकी मदद से आप अपने चेन की खुद भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। 1 फॉरवर्ड 1 रिवर्स सेंटर न्यूट्रल गियर की ऑप्शन इस बाइक के अंदर मौजूद है। 110 kg अब आपके वेट को बआसानी ये बर्दाश्त कर सकती है। ये इसकी नए मॉडल की सेल्फ की ग्रिप है जिसमें सेल्फ का बटन आगे की जानिब जो है वो हमने इसमें शफल करवा दिया हुआ है। पहले के नीचे यहाँ पर जहाँ पर हॉर्न का बटन है यहाँ पर सेल्फ का बटन हुआ करता था जिसको बच्चे बार बार पुश करते थे। इस वजह से हम इसको आगे की जानिब जो है इसको हमने कन्वर्ट करवाया है ताकि बाइक के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो कम से कम आ सके। आप जब इस बाइक को सुबह करने में आप स्टार्ट करें तो आप इसकी चोक को ऊपर उठा दें। कार्बोरेटर था चोक है, इसको इसे मैंने अभी ऊपर उठाया है आपके सामने। इस तरह इसको उठाने के बाद सेल्फ का बटन आप पुश करें। 5-7 सेकंड चोक को आप ऊपर रहने दें, उसके बाद आप चोक को नीचे करते रहें। 5 से 10 सेकंड आप चौक को ऊपर, उसके बाद आप चौक को जो है वो नीचे कर दें। फॉर एवर एयर फिल्टर इसमें बाइक में इंस्टॉल किया है कि जब भी आप इसकी ट्यूनिंग करवाएं आप इसके फिल्टर को पेट्रोल से वॉश करने के बाद दोबारा आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपकी बाइक जल्दी स्टार्ट होगी सर्दियों में और आपकी बैटरी भी कम से कम जो है वो ड्रेन होगी। इस बाइक की जो कीमत है वो 1,25,000 रुपये है। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमन क्लिक करें ताकि हमारी बार में आने वाली वीडियोस का आपको आसानी के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी सहूलत के लिए हमने हमारे फोन नंबर और हमारी शॉप का एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आप भी कर सकते हैं और हमारे इन नंबर्स पर रابطہ करके भी आप इस बाइक को कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जजाकअल्लाह।